दोस्तों, आप लोगों ने इस घोंघे यानी स्नेल को तो जरूर देखा होगा। ये एक ऐसा जीव है जो अक्सर बारिश के दिनों में घास के मैदानों और बगीचों में आसानी से मिल जाते हैं। ये एक ऐसे प्राणी हैं जो बहुत ही धीमे चाल से चलते हैं, लेकिन जो चीज इन्हें सबसे खास बनाती है वो है इसका शरीर, जो काफी मुलायम होता है। और इस मुलायम शरीर पर एक मजबूत कवच होता है जो किसी खतरे के वक्त इन्हें अंदर छिपने में मदद करता है। अगर बात करें इसकी प्रजाति की, तो इस दुनिया में स्नेल की लगभग 60,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ पानी में। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्नेल का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले हमने तितली, मेंढक, ड्रैगन फ्लाई और छिपकली के जीवन चक्र की वीडियो बनाई थी, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज आपकी ही डिमांड पर हम स्नेल के जीवन चक्र की वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। और अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों मिलन की प्रक्रिया के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इनके मिलन की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। वो इसलिए कि ये दूसरे प्राणियों की तरह मिलन के लिए एक दूसरे पर नहीं चढ़ते। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि इनके मिलन के अंग सिर के बाजू में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे ये मिलन की प्रक्रिया के दौरान सक्रिय करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये अपने अंगों को सक्रिय कर लेते हैं, उसके बाद ये एक दूसरे के मिलन अंगों की खोज करते हैं, ताकि ये एक दूसरे से जुड़ सके। लेकिन इस मिलन अंगों की खोज में इन्हें काफी समय लग जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण इनका अंधापन होता है, क्योंकि इनके एंटीनस पर मौजूद आँखों का दृश्य बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण इन्हें धुंधला दृश्य ही दिखाई देता है। और इसीलिए ये अपने सिर पर मौजूद एंटीनस की मदद से अपने सारे काम करते हैं, जैसे आसपास के माहौल का एहसास, खतरों का एहसास और भी कई सारे। तो जैसे ही ये अपने एंटीनास की मदद से अपने साथी के मिलन अंगों को खोज लेते हैं, ये तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। और इनका ये मिलन बहुत पक्का होता है, क्योंकि इसी अवस्था में ये लगभग 8 से 10 घंटों तक रहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जिसके बाद इनके मिलन की प्रक्रिया समाप्त होती है, और लगभग 7 से 10 दिनों के बाद मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है, जिसके बाद ये दर्जनों अंडे देती है। अब अंडे देने की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि ये घोंघे किस प्रजाति के हैं। अगर बात करें बगीचों और मैदानों में रहने वाले घोंघे की, तो ये एक बार में 50 से 60 अंडे देते हैं। और अगर बात करें पानी में रहने वाले घोंघे की, तो ये एक बार में 500 से 600 अंडे देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने शानदार तरीके से ये अंडे इनके शरीर से बाहर निकलकर इकट्ठा हो रहे हैं। और जैसे ही ये सारे अंडे दे देते हैं, उसके बाद ये वहां से चले जाते हैं, जिसके 10 से 15 दिनों बाद ही इन अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बेबी स्नेल कितने छोटे और प्यारे होते हैं। और अब ये बच्चे अकेले ही अपने जीवन सफर पर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।